महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 17 सालों के बाद 42वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 17 सालों के बाद 42वें पुरवणी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। वर्ष 2005 से पहले 41वें पुरवणी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में 17 सालों के बाद एक बार फिर ये दीक्षांत समारोह का आयोजन करते हुए मेडिकल सहित 517 जितने विद्यार्थियों को डिग्री एनायत की जाएगी। 42वें पुरवणी दीक्षांत समारोह में मेडिकल के 505 सहित कुल मिलाकर 517 जितने विद्यार्थिनियों को ओरिजिनल रेगुलर दीक्षांत समारोह एनायत किए जाएंगे। जो ये डिग्री एनायत करने के बीच 41वें दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। 8 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर महीने में विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्री दी गई थी। ऐसे में अब विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल एनायत नहीं किए जा सकते। ऑडिटोरियम में कल MS यूनिवर्सिटी द्वारा तत्काल रूप से 42वें दीक्षांत समारोह का आयोजन करते हुए गोल्ड मेडल एनायत किए जाने वाले है। ऐसे में 517 जितने विद्यार्थियों को सिर्फ डिग्री ही एनायत की जाएगी, जबकि गोल्ड मेडल डिग्री के लिए यहाँ पर सत्ताधीशों के बीच भी एक होड़ मची है। ऐसे में कई विद्यार्थियों की डिग्री प्राप्ति में भी विनती करने के बीच ढेरों बार रजूआत करने के बावजूद यूनिवर्सिटी सत्ताधीशों द्वारा इस प्रकार की कोई भी कामगिरी नहीं करने के कारण भी एक चर्चा का विषय बना है। ऐसे में अब कल ये 42वें दीक्षांत समारोह के बीच यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 570 जेटला जे विद्यार्थियों अने विद्यार्थिनियों एमने अहीं डिग्रीओ अने डिप्लॉमा एनायत करवामां आव्यो अने ये खूब अगत्यनी बात ए विद्यार्थियों विद्यार्थिनीओ माटे अने साथोसाथ एमनी साथे आवेला वालीओ माटे पण खूब गर्वनी बात। एमां ए खूब अगत्यनी बात जे बधाए नोंध लीधी छे एमां मोटी संख्यामां विद्यार्थिनीओ छे, एटले ए दर्शावे छे कि आजथी जे 15-20 वर्ष पहेला ये ते समय ना माननीय मुख्यमंत्री श्री अने हालना वडाप्रधान एमणे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम करीने जे सूत्र आप्युं अने ए कार्यक्रम चालू कर्युं एनुं असर हवे बहार आवतुं जाय छे। आखा समाजने खबर पड़ी छे कि बेटीओ अने बेटाओ सरखा छे, समाजनी सेवा बन्ने करी शके छे, कुटुंबनी सेवा बन्ने करी शके छे। एटले हुं बधाने आजे जेमने અહીંયા ડિગ્રીઓ ડિપ્લોમા એનાયત થયા છે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠું છું। વધુમાં અહીંયા મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી બરોડા કે જે વર્ષોથી ક્વોલિટી એજ્યુકેશન આપવામાં સફળ રહી છે એના પણ વાઇસ ચાન્સલર એમની સાથે એમના ડીન, મેડિકલની વાત કરીએ તો અહીંયા બરોડા મેડિકલ કોલેજના ડીન, ગોત્રી મેડિકલ કોલેજના ડીન અને એની સાથોસાથ બીજા વિદ્યાર્થીઓ જેમને ડિગ્રીઓ એનાયત થઈ એમના પણ ડીન અને સ્ટાફ બધાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠું છું। અને અહીંયાના વિદ્યાર્થીઓ આપણને અનુભવ બતાવે છે કે ખૂબ સફળતાપૂર્વક દેશના પ્રગતિમાં ભાગીદાર થાય છે। અહીંયાથી ઘણા બધા મોટા નામના લોકો આગળ આવ્યા છે દેશમાં વિદેશમાં, તો એ બાબત માટે યુનિવર્સિટીને પણ શુભેચ્છા, એમની સાથે જોડાયેલા જે અમારા મેડિકલના કોલેજો છે એમને પણ શુભેચ્છા, બધાને ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું।